चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के विकास और पर्यावरण नामक यूनिट पर हम क्रमबद्ध रूप से आपसे सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पे वीडियो नंबर एक के अंतर्गत हमने विकास और पर्यावरण में अवधारणाओं को देखा था, मानव विकास क्रम को। दो नंबर में हमने ये जाना था कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है और पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। अब उससे आगे बढ़ करके जो आपके सिलेबस में जहां से एक नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पर पूछता है पर्यावरण की अवधारणाएं, तो अवधारणाओं के क्रम पर हम बातचीत करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, पर्यावरण की अवधारणाओं की बात करें तो देखिए, जहाँ अवधारणा शब्द आता है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिद्धांत होती जटिलता होती है, आप वहाँ पे थोड़ा सा उलझने के कगार पे पहुँचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान होता है, इसकी समझ बेहद आसान होती है, आपको एकदम आसानी पूर्वक इसे समझना है। चलिए हम देखते हैं कैसे ये आसान बनाते हैं। चलिए अगर हम कल्पना करें, सबसे पहले कल्पनाओं में जाइएगा कि हम अगर कल्पना करें तो आप एक बात को मानिए कि हम और आप मिलकर के पहुंचे अमेरिका, या माना आप सभी लोग पहुंच गए अमेरिका। जब आप अमेरिका पहुंचेंगे तो आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, वह होगी सबसे पहली जो सबसे बड़ी समस्या, वो होगी भाषा की समस्या। भाषा की समस्या क्या आएगी, अमेरिका की भाषा है अंग्रेजी और आपको आता है हिंदी, तो अब हिंदी आपको आती है और वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, तो आपको भाषा के क्षेत्र में तालमेल बैठाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये समस्या आपके सॉल्व करने की या इस समस्या को लेकर के समायोजन करने के तीन रास्ते आपके सामने आएंगे। नंबर एक, आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी सीख लीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीका, आप पूरी अमेरिका को अंग्रेजी सिखा दीजिए, या आपको जहाँ रहना है वहाँ हिंदी सिखा दीजिए, आपकी समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। या तो आप अंग्रेजी सीख लीजिए और नहीं सीख पा रहे हैं तो आप उनको हिंदी सिखा दीजिए, सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा तरीका होता है कि आप थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लीजिए और थोड़ा सा उन्हें हिंदी सिखा दीजिए, तो भी समायोजन हो सकता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति नए पर्यावरण में आता है तो उसको भी समायोजन लेकर के समस्या होती है, और इस प्रकार की समस्या से निजात पाने का से निकलने का तीन रास्ता आता है कि या तो वो प्रकृति के अनुसार व्यवहार करने लगे, या तो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले, या थोड़ा सा प्रकृति के अनुसार ढाल जाए और थोड़ा सा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल ले। तो इसी तीनों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमारी जो अवधारणा निर्मित की गई, तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहली अवधारणा आई उस अवधारणा को कहा गया नियतिवादी अवधारणा। पहली जो अवधारणा आई उस अवधारणा को कहा गया कौन सी अवधारणा, नियतिवादी अवधारणा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न चाहे जितना घुमा फिरा रहा हो, वो चाहे जितनी भी बातें कर रहा हो, सिर्फ एक बात आप ध्यान देंगे, वो जोर दे रहा हो प्रकृति पर या श्रेष्ठ बताने का प्रयास करे किसे, प्रकृति को, वह हमारी अवधारणा कौन सी अवधारणा होगी, नियतिवादी अवधारणा। जैसे अगर हम पहले नंबर पर बात करें कि प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य इसके हाथ का, और मनुष्य इसके हाथ का खिलौना है, मनुष्य इसके हाथ का खिलौना है, ये किस अवधारणा का मानना है, आप ध्यान देंगे कौन सी अवधारणा होगी, हमारी नियतिवादी अवधारणा। आगे कह रहा है कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है, मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है, ये किस अवधारणा का मानना है, तो हमारी कौन सी अवधारणा होगी, नियतिवाद। भाई पृथ्वी हमारा क्या है, प्रकृति है, तो ये मनुष्य को क्या कह रहा है, गौण मान रहा हो और प्रकृति को श्रेष्ठ मान रहा हो, हमारी अवधारणा निश्चित तौर पर हो जाएगी कौन सी अवधारणा, नियतिवादी। और एक आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पर्यावरणीय उपागम,
या अवधारणा, पर्यावरणीय उपागम या अवधारणा, किस अवधारणा को कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय उपागम या अवधारणा हम नियतिवादी अवधारणा को कहते हैं। सब कंक्लूजन केवल एक शब्दों में है कि वो चाहे जितना भी घुमा फिरा रहा हो, वो श्रेष्ठ बताने का प्रयास करे किसे, प्रकृति को, वह हमारी अवधारणा कौन सी कहलाएगी, नियतिवादी अवधारणा। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो दूसरी अवधारणा आई, दूसरी अवधारणा को हम कहते हैं संभववादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा। अब इस अवधारणा के लिए आप ध्यान देंगे कि प्रश्न चाहे जितना घुमाए फिराए, वो श्रेष्ठ बताने का प्रयास करे किसे, मनुष्य को। वो चाहे जितना घुमाए फिराए, वो चाहे जितना भी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करे, अगर निष्कर्ष निकल रहा हो कि वो बता रहा है मनुष्य श्रेष्ठ है, तो निश्चित तौर पर वो हमारी अवधारणा कौन सी होगी, संभववादी अवधारणा। अब जैसे प्रश्न किन किन स्टेटमेंट के आधार पर पूछता है, जैसे सबसे पहली बात वो यही कह रहा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, वह प्रकृति में, वह प्रकृति में हर संभव, वह प्रकृति में हर संभव परिवर्तन, वह प्रकृति में हर संभव परिवर्तन कर सकता है। ये किस अवधारणा का मानना है? तो आप ध्यान देंगे, ये कौन भाई कह रहा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, मतलब मनुष्य जहाँ श्रेष्ठ हो वो का हमारी अवधारणा कौन सी होगी, संभववादी। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद और विज्ञानवाद, अगर कोई स्टेटमेंट कह रहा हो कि प्रयोगवाद पर बल देने वाली अवधारणा का नाम क्या है, तो संभववादी। विज्ञानवाद पर जोर देने वाली, भाई प्रयोग कौन करता है, मनुष्य करता है। विज्ञान का मतलब क्या है भाई, विज्ञान में प्रयोग होता है, और प्रयोग जब मनुष्य कर रहा है तो विज्ञान भी श्रेष्ठता स्वीकार करे किसको, मनुष्य की। तो ये हमारी सारी अवधारणाएँ क्या हो जाएंगी, संभववादी अवधारणा। तीसरे नंबर पर आएंगे तो तीसरे नंबर को कहा जाता है हमारा नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा हमारी कौन सी अवधारणा होगी, तो ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए, नियतिवादी अवधारणा ने प्रकृति को श्रेष्ठ माना तो उसने मनुष्य को गौण माना, संभववादी अवधारणा ने मनुष्य को श्रेष्ठ माना तो प्रकृति को गौण माना। अब जब हम बात करते हैं आपसे किस अवधारणा की, नवनियतिवादी अवधारणा की, तो सबसे पहली लाइन इसमें यही लिखी जाएगी कि इसने उपर्युक्त दोनों, इसने उपर्युक्त दोनों अवधारणाओं को नकार दिया, उपर्युक्त दोनों अवधारणाओं को क्या कर दिया, नकार दिया। आगे क्या कह रहा है, इसने ना तो कहा कि प्रकृति श्रेष्ठ है, ना तो मनुष्य श्रेष्ठ है, ना तो एक दूसरे के गौण है, इसने दोनों के मध्य मध्यस्थता कराने का प्रयास किया, मध्यस्थता कराने का प्रयास किया। अब देखिए, इसने कहा कि ना तो प्रकृति श्रेष्ठ है, ना तो मनुष्य श्रेष्ठ है, किसने, नवनियतिवादी अवधारणा। इसने कहा कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन उसी हद तक करना चाहिए जहां तक प्रकृति नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो।
जब प्रकृति नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगे तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। तो इसी के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो विकास चैप्टर है, तो विकास चैप्टर को जोड़ करके जो प्रश्न हमारे यहाँ से बनता है कि किस अवधारणा ने सतत विकास पर जोर दिया है, तो आप ध्यान देंगे कि सतत विकास पर जो हमारा जोर दिया है वह अवधारणा हमारी कौन सी होगी, नवनियतिवादी अवधारणा। फिर हमारी एक अलग तीसरी अवधारणा आई और तीसरी अवधारणा को कहा गया पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा, ध्यान दीजिएगा, हम पारिस्थितिकी अवधारणा की बात करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि इस अवधारणा ने श्रेष्ठ माना, इस अवधारणा ने श्रेष्ठ माना किसे, प्रकृति को। अब देखिए आपके अंदर कंफ्यूजन होगा, प्रकृति यहाँ भी, प्रकृति यहाँ भी। इसने प्रकृति को श्रेष्ठ माना तो इसने मनुष्य को गौण माना था, लेकिन इसने प्रकृति को श्रेष्ठ माना और साथ ही साथ कहा कि मनुष्य प्रकृति, मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। मतलब इसने दो के दोनों को श्रेष्ठ माना और ये कहा कि मनुष्य अलग नहीं है बल्कि वह प्रकृति का ही एक अंग है। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन यहाँ होगा, मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है और मनुष्य पृथ्वी का अंग है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं और यही कन्फ्यूजन हो जाता है जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। इसके अलावा इसमें एक और स्टेटमेंट आपको ध्यान देना होगा कि इसमें ये भी कहा गया है, जो पारिस्थितिकी अवधारणा है इसके अंतर्गत एक और बात कहा गया, क्या कहा गया कि प्रकृति, प्रकृति स्वयं मनुष्य को, प्रकृति स्वयं मनुष्य को परिवर्तन का मौका देती है, मौका प्रदान करती है। इसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जैसे मनुष्य ने खेत का निर्माण किया, प्रकृति में हस्तक्षेप किया, पेड़ पौधों को काट दिया, घास उखाड़ दिया, जीव जंतुओं को भगा दिया, खेत का। प्रकृति नहीं चाहेगी तो आप फसल नहीं उगा सकते हैं, वो इतनी बारिश करा दे सब कुछ बह जाए, वो बारिश कराए ही ना सब कुछ सूख जाए। तो ये हमारी अवधारणा क्या है, पारिस्थितिकी की, प्रकृति स्वयं मनुष्य को परिवर्तन का मौका देती है या उसमें हस्तक्षेप का मौका देती है, ये किस अवधारणा का, पारिस्थितिकी अवधारणा का। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो के अंतर्गत बातचीत की आप पर्यावरणीय अवधारणाओं पर, जहां आपने क्रमबद्ध रूप से जाना नियतिवादी अवधारणा जो हमारे प्रकृति पर जोर देती है, मनुष्य को गौण मानती है। फिर हमने बातचीत किया संभववादी अवधारणा पर जो मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है, प्रकृति को गौण मानती है। फिर हमने बात किया नियतिवादी अवधारणा पे जो न तो प्रकृति की श्रेष्ठता स्वीकार करती है न मनुष्य की श्रेष्ठता, बल्कि ये दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए इनके मध्य मध्यस्थता या समायोजन संतुलन बनाने का प्रयास करती है। और तीसरी अवधारणा को हमने देखा जो प्रकृति पर जोर देती है और मनुष्य को उसी का अंग, मतलब मनुष्य को गौण न मान करके प्रकृति का एक भाग या अंश मानती है। तो इस प्रकार ये आपके सिलेबस का एक पार्ट पर्यावरणीय अवधारणाओं का हुआ। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।